गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि मैंने कैसे ड्रीम इलेवन से 2 करोड़ रुपया को विन किया हूं, मैंने ड्रीम इलेवन से कैसे ग्रैंडली को विन किया हूं, मैंने ड्रीम इलेवन में कैसे ग्रैंडली को जीता हूं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। गाइस यदि आप भी सोच रहे हो ड्रीम इलेवन में ग्रैंडली को विन करना है, जीएल को विन करना है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद गाइस जो आप टीम बनाओगे, जो आप टीम क्रिएट करोगे, मेगा ग्रैंडली के बहुत ही करीब पहुंच जाओगे, बहुत ही आसानी तरीके से मेगा ग्रैंडली को विन कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे ग्रैंडली को विन किया, मैं ग्रैंडली कैसे जीतता हूं, आखिर मैं टीम कैसे क्रिएट करता हूं। गाइस मैं आपको बता दूं तो आप भी टीम, जब आप इस वीडियो को देखने वाला टीम बनाओगे, टीम क्रिएट करोगे, तो आपको 20 टीम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली आप 2 टीम से मेगा ग्रैंडली को विन कर सकते हो। बहुत सारा लोगों के माइंड में यह चल रहा होगा कि भाई मैं 20 टीम बनाऊंगा, 20 टीम से क्या होगा कि मैं मेगा ग्रैंडली को विन कर जाऊंगा, बट क्या होता नहीं कि आपने 20 टीम बनाया, 20 टीम क्रिएट किया, उसमें आपका पता लगता कि भाई 5 ही टीम विनिंग जोन में और 15 टीम जो आपका बचता वह 15 टीम क्या कि विनिंग जोन से भी बाहर हो जाता। आखिर आपने यहां पर से 20 टीम बनाया, 20 टीम क्रिएट करने के बाद भी आपने ग्रैंडली को नहीं विन किया हो, तो इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद भाई आप मेगा ग्रैंडली के बहुत ही करीब पहुंच जाओगे, बहुत ही आसानी तरीके से आप मेगा ग्रैंडली को विन कर सकते हो। बहुत सारा लोगों का सपना होता कि भाई मैं एक बार मेगा ग्रैंडली विन कर जाऊं, मैं एक बार जीएल विन कर जाऊंगा तो शायद मेरा यहां पर से पूरा सपना जो वो पूरा हो जाएगा। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं फैंटेसी क्या, यानी कि फैंटेसी लॉजिक का खेल है। जितना आप लॉजिक लगाओगे, जितना आप लॉजिक के साथ टीम क्रिएट करोगे, उतना ही बेहतरीन टीम बना सकते हो। आप बोल सकते हो मैच या क्रिकेट बोल सकते हो कि अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन फैंटेसी क्या है कि लॉजिक का खेल है। आपका लॉजिक कितना लगता है, आप कितना फैंटेसी में लॉजिक लगा करके जाते हो, आपका माइंड कितना काम करता, ये बहुत बड़ी बात होती है। जितना आप माइंड दौड़ाओगे, जितना आप यहां पर से माइंड दौड़ा करके टीम क्रिएट करोगे, टीम का कॉम्बिनेशन बनाओगे, उतना ही बेहतरीन टीम बनेगा। लेकिन बहुत सारा लोगों का कंफ्यूजन होता है भाई मैं यहां पर से माइंड दौड़ाऊं तो दौड़ाऊं कैसे, किस तरीके से टीम बनाऊं, किस तरीके से टीम क्रिएट किया जाए ताकि मेगा ग्रैंडली को विन कर सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो आपके लिए, आप भी सोच रहे हो मेगा ग्रैंडली को विन करना, मेगा ग्रैंडली को जीतना चाहते हो, तो इस वीडियो को क्या कर लेना, पूरा देख लेना। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं भाई, आप देख लो यहां पर से मैंने मेगा ग्रैंडली को जो विन किया हूं, अभी आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाई देता होगा, लाइव अभी आप मेरे सामने देख सकते हो, जो मैं आपको रियलिटी देख लो मैंने यहां पर से मेगा ग्रैंडली को विन किया हूं। और गाइस एक और मैं आपको मेगा ग्रैंडली की बात करें तो एक और आप देख सकते हो कि मेगा ग्रैंडली मैंने यहां पर से विन किया हूं। सबसे पहले आप ये बता देना कि भाई आप ड्रीम इलेवन कितने सालों से खेले हो, 2 साल से खेले हो, 4 साल से खेले हो, और ड्रीम इलेवन 2 साल 4 साल से खेले हो तो कितने बार आपने मेगा ग्रैंडली को विन किया, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अभी आप मेरे सामने लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मैंने 2 बार जो मेगा ग्रैंडली को विन किया, एक बार अभी आप मेरे सामने देख लो, ये जो आपको दिखाई देता होगा भाई आप क्लियरली देख लो यहां पर से ये मैंने कितना विन किया हूं, तो मेगा ग्रैंडली देख सकते हो अभी आपके सामने मैंने यहां पर से बड़े आसानी तरीके से मेगा ग्रैंडली को विन किया। इधर देखते हैं तो इधर भी देख लो कि मेगा ग्रैंडली को विन किए। साथ में और प्रूफ देखना चाहते हो और इसका प्रूफ जानना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ भाई, टेलीग्राम चैनल पर ढेर सारा प्रूफ दे करके रखा हूं, आप पूरा दिन देखते रह जाओगे, इतना प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो लाइफ में जिसे आप बोलते हो ड्रीम इलेवन से या फैंटेसी से आप बोलते हो पैसा जीतूंगा पैसा कमाऊंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो भाई आपको लाइव में बोला जाए तो पैसा की कभी भी कमी नहीं होगा। क्यों, इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने से क्या होता है ना कि जिस टीम से मैं विन करता हूं, समझ लो जिस टीम से मैं रोजाना लाखों रुपया विन करता हूं, सेम वही टीम बिल्कुल फ्री में कहां पर प्रोवाइड किया जाता है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इसका ज्वाइन करने का तरीका क्या है, इसका लिंक देखो 2 जगह पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको कहां पर मिलेगा, एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये जो वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, नहीं तो सिंपल क्या करना है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। जब आप कमेंट बॉक्स में जाओगे तो टॉप पर पिन कर दिया हो, जहां से आप क्या कर सकते हो बड़े आसानी तरीके से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट से क्या कर लो, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल टीम जिस टीम से मैं विन करता हूं सेम वही टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। लाइक किसी भी प्रकार का मैच हो, T20 हो, T10 हो, यानी जिस मैच को मैं खेलता हूं, जिस मैच से मैं जीतता हूं, सेम वही टीम आपको
टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। तो इसलिए बोले सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं कि आप यहां पर से मेगा ग्रैंड लीग को जीतना चाहते हो तो मेगा ग्रैंड लीग को विन करने के लिए क्या करना होगा, मेगा ग्रैंड लीग को आप कैसे जीत सकते हो, इसका जीतने का तरीका क्या है, आपको मैं यहां पर से बता देता हूं कि भाई 20 टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली आप दो टीम क्रिएट करोगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये दो टीम से आप मेगा ग्रैंड लीग को विन कर सकते हो, आप मेगा ग्रैंड लीग को जीत सकते हो। अब आ जाते हैं कि दो टीम कैसा टीम क्रिएट करना है, किस प्रकार से टीम क्रिएट करना है जिससे मैं मेगा को विन कर सकता हूं, जिससे मैं जीएल को विन कर सकता हूं। अब आ जाते हैं कि मान लो एक मैच में मुझे टीम क्रिएट करना, कोई भी प्रकार का मैच हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर से आपको बताऊं तो मान लो कि आज का जो मैच होने वाला है, आज का जो मुकाबला होने वाला वह एक्स टीम और वर्सेस, मैं यहां पर से कर देता हूं एक्स वर्सेस मान लो वाई के बीच ये मुकाबला, ये दोनों टीम के बीच मुकाबला है, इसमें मुझे एक टीम बनाना है, मुझे इसमें एक टीम क्रिएट करना है। सबसे पहले आप देखते हो तो आपको टीम क्रिएट करने वक्त क्या होता है कि विकेट कीपर, बैटिंग, उसके बाद आप जाते हो ऑलराउंडर्स में, साथ में आपको यहां पर से बॉलिंग, मतलब बोला जाए तो आप फॉर्मेट की बात करोगे तो चार फॉर्मेट से मुझे खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना पड़ता और खिलाड़ी बोला जाए तो यहां पर से 11 खिलाड़ी मिलता है, 11 खिलाड़ी में से 22 खिलाड़ी मिलता, 22 खिलाड़ी में से मुझे क्या करना होता कि 11 खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना है, लेकिन ये 22 में से कंफ्यूजन होता है, बहुत बड़ी बात क्या कि विकेट कीपर में कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना है, बैटिंग से कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना है, साथ में ऑलराउंडर से कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना है, बॉलिंग से कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना। देखो मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं, यदि आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो, ग्रैंड को यदि आप लोग चाहते हो भाई विन करना, तो ये जो वीडियो देख रहे हो इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको रिस्क बताऊंगा, रिस्क कैसे लेना है, आपको रिस्क जान जाते हो ना ड्रीम इलेवन में टीम क्रिएट करने वक्त रिस्क किन खिलाड़ियों के ऊपर लेना है, ये आप जान लेते हो तो भाई आपको 20 टीम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली 2 से 4 टीम बनाओगे और मेगा ग्रैंड लीग को फाइंड आउट कर सकते हो, मेगा ग्रैंड लीग को आप विन कर सकते हो। तो भाई देखो यहां पर से अब आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहना ताकि आप क्या कर सकते हो मेगा ग्रैंड लीग को मेरे तरह भी आप लोग भी विन कर सकते हो। अब आ जाते हैं ये जो मुकाबला, मान के चलो एक्स वर्सेस वाई के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है, सबसे पहले मैं यहां पर से एक से सम्मिलित कर दिया हूं विकेट कीपर और साथ में यहां पर से देखा जाए विकेट कीपर बैटिंग, या आप आ जाओ ऑलराउंडर्स के अगेंस्ट में, मैं आगे आपको बताने वाला हूं ये दोनों को मैं एक साथ ले लिया हूं। ये जो देख रहे हो ना ये क्या की बैटिंग हो गया, उसके बाद आप ये जो नीचे में देख रहे हो ये आपको बॉलिंग दिखाई देता होगा, फिर यहां पर से देख लो नीचे में आप देख रहे हो एक सिलेक्शन दिखाई देता होगा, कुछ मैं एग्जांपल लिया हूं 2 विकेट 5 विकेट 7 विकेट 4 विकेट, ये क्या है एक एक चीज करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक एक चीज करके आपको बताने वाला हूं। फिर क्या होता है कि भाई मेगा ग्रैंड लीग को फाइंड आउट करने के लिए, मेगा ग्रैंड लीग को विन करने के लिए इसमें परफेक्ट होना चाहिए कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन होना चाहिए, परफेक्ट कैप्टन कैसे पकड़ेंगे, परफेक्ट वाइस कैप्टन कैसे पकड़ेंगे ताकि मेरा कैप्टन ना फ्लॉप हो, ताकि मेरा यहाँ पर से वाइस कैप्टन जो ना फ्लॉप हो, क्योंकि इसमें मेगा ग्रैंडिंग में क्या होता कि बहुत बड़ी चीज ये होता कि भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाता, कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं चलता तो वहीं पर से आप ये सोचते हो कि भाई मैं मेगा ग्रैंड लीग में को विन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप सही तरीके से बना सकते हो, कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहां पर से आ जाता हूं, ये जो देख रहे हो ये बैटिंग हो गया, उसके बाद यहां पर से ये बॉलिंग हो गया। अब एग्जाम्पल के लिए आज का मुकाबला एक्स और साथ में वाई के बीच मुकाबला होने जा रहा है, इसमें मुझे एक टीम बनाना है, सबसे पहले मैं आपको एक टीम बना करके बताऊंगा, एक टीम में यहां पर से क्रिएट करके आपको बताऊंगा कैसे एक टीम क्रिएट करना है। यदि आपको ये चीज बता दूंगा तो भाई 2-3 टीम आप क्रिएट करके मेगा ग्रैंड लीग को बड़ी आसानी तरीके से विन कर सकते हो। तो ये जो देख रहे हो ना ये आपको दिखाई देता होगा बैटिंग हो गया। अब बैटिंग में बात करो तो बैटिंग में जैसे देखा जाए तो कोई खिलाड़ी हो गया जो मैं अभी आपके रीसेंट में देख लो, ये जो रीसेंट आप देख रहे हो ये रीसेंट परफॉर्मेंस है कोई खिलाड़ी का। अब परफॉर्मेंस की बात करें रीसेंट में इनका कैसा रिजल्ट आया तो 70-80 रन, उसके बाद यहां पर से देखते हो तो 100 रन, फिर यहां पर से 75 रन बनाए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना हो जाएगा, कितना परसेंटेज लोग इनको सिलेक्ट करके जाएंगे, एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि इस खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंटेज कितना होगा, जिनको अनुभव होगा आप खुद अनुभव करके बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइस देख लो ये जो देख रहे हो ना ये सिलेक्शन परसेंटेज की बात करें, ये जो देख रहे हो सिलेक्शन, तो मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ ना तो इस खिलाड़ी का
सिलेक्शन परसेंटेज 95% लोग अपने टीम में लेकर के जाएंगे, नहीं तो 90% लोग अपने टीम में लेकर के जाएंगे। तो आप ये सोचते हो जब आप टीम क्रिएट करते हो ऐसा खिलाड़ी आपको ड्रीम इलेवन में क्या फैंटेसी में, जब आप टीम क्रिएट करोगे तो ऐसा खिलाड़ी 22 खिलाड़ी में से परफेक्ट है कि भाई आपको 5 खिलाड़ी देख ही जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मैं यहां पर से बता दूं तो 5 खिलाड़ी में ऐसा खिलाड़ी 5 खिलाड़ी आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। जैसे मान के चलो कोई और खिलाड़ी हो गया, उनका रिसेंट फॉर्म में 65 रन बना रहे, फिर यहां पर से देखते 45 रन बनाए, फिर एक मैच में 75 रन बनाए, फिर एक मैच में देखा जाए तो इनके बल्ले से 80 रन देखने को मिला। अब इनका सिलेक्शन परसेंटेज देखा जाए, इनका सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज हो जाएगा ना तकरीबन यहां पर से देखा जाए तो 80+ लोग अपने टीम में लेकर के जाएंगे। जब आप टीम क्रिएट करते हो, जब आप टीम बनाते हो तो उसमें ये होता, जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए एक टीम में आपको बोला हूं कि आपके सामने बना करके बताऊंगा, तो इसमें मान के चलो मैं अभी आपके सामने लाइव प्रूफ की एक मान लो कि मैं एक टीम क्रिएट कर रहा हूं। अभी आप मेरे सामने जो देख रहे हो ये एक मैं यहां पर से टीम बना रहा हूं, एक मैं टीम का कॉम्बिनेशन कर रहा हूं। इसमें ऐसा खिलाड़ी जो मुझे देखने को मिल गया विकेट कीपर और साथ में बैटिंग से जो देखने को मिल गया वो 5 खिलाड़ी देखने को मिल गया, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज मान लो कि एग्जाम्पल के लिए यहां पर से मान लेते 80-90 ले लेते हैं, 90% और साथ में यहां पर से देख लेते हैं 90% से नीचे जो 70% या आप कह सकते हो यहां पर से 60% जो का जो खिलाड़ी है उस खिलाड़ी को मैं अपने टीम में ले लिया हूं। 90 और साथ में 60% के बीच में मैं अपने टीम में खिलाड़ियों को पिक किया हूं। जब आप टीम क्रिएट करोगे तो सेम इसी प्रकार से मान के चलो आप भी टीम क्रिएट करते हो एग्जैक्टली कि सभी लोग इसी प्रकार से टीम क्रिएट करते हैं, सभी लोग इसी प्रकार से टीम बनाते हैं। अब देखो 90 और साथ में 60% जो आप ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो इसमें आपने एक टीम बनाया। एग्जांपल ये मैंने टीम बना लिया और जिसमें विकेट कीपर भी हो गया, बैटिंग भी हो गया, साथ में यहाँ पर से ऑलराउंडर्स भी हो गया और साथ में यहाँ पर से क्या कि बॉलिंग भी आ गया, मतलब ये चार फॉर्मेट से मान लो मैंने एक टीम से वह क्रिएट कर लिया हूं और वो जो खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में पिक किया हुआ 90 और साथ में 60% वाले के बीच में मैं अपने टीम में खिलाड़ियों के लिए आऊँ। अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के अकॉर्डिंग आया सब, तो मैं अपने टीम के लिए क्या किया हूँ कि कैप्टन जो बनाया हूँ ना यहाँ पर से, ये जो कैप्टन देख रहे हो इसे मैं अपने टीम के लिए कैप्टन पिक क्या हो, यानी ये जो खिलाड़ी देख रहे हो इस खिलाड़ी को मैं अपने टीम के लिए कैप्टन बना करके चल रहा हूं, इस खिलाड़ी को मैं अपने टीम के लिए कैप्टन बना दिया हूं। वाइस कैप्टन की बात करें तो मान के चलो ये दोनों में से किसी एक को वाइस कैप्टन बना दिया हूं। यदि कैप्टन की बात करें तो कैप्टन मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि यहां पर से ये दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को मैं अपने टीम के लिए कैप्टन बना दिया हूं। यहां पर से 40 और साथ में मान के चलो 30% के बीच में मैं यहां पर से ये दोनों खिलाड़ी को कैप्टन बना दिया हूं। अब ये मैं सोच रहा हूं, अब ये मैं सोच करके टीम क्रिएट किया हूं कि भाई मैं यहां पर से जो टीम बनाया हूं आज का मेरा परफेक्ट टीम है, आज का मेरा जो कैप्टन भी सही है और साथ में मेरा वाइस कैप्टन भी सही है, आज मेरा चांसेस बन सकता है कि आज मैं ग्रैंड लीग को विन कर जाऊंगा, आज मैं जीएल को विन कर जाऊंगा। बट जब मैच स्टार्ट होता, जब आपके सामने मैच आता तो यहाँ पर से मैच स्टार्ट होने के बाद ये होता है कि भाई आपका जो 5 से या मान के चलो 6 ओवर के बाद मान के चलो या 10 ओवर के बीच आपका पता लगता कि 3 खिलाड़ी ऑलरेडी फ्लॉप हो गया आपका, नहीं तो इसमें हो सकता है बीच में कैप्टन भी फ्लॉप हो जाएगा, नहीं तो वाइस कैप्टन भी फ्लॉप होने की संभावना रहेगा, नहीं तो कोई बैट्समैन फ्लॉप होकर के जाएगा, नहीं तो बॉलर्स फ्लॉप होकर के जाएगा या ऑलराउंडर्स या विकेट कीपर में से कोई ना कोई खिलाड़ी फ्लॉप होकर के जाएगा। आप सोचते हो कि जब आप टीम क्रिएट करते हो उस वक्त ये सोचते हो कि भाई ग्रैंड लीग तो मेरा हाथ में था, बट ऐसा हुआ कि मेरा यहां पर से टीम जो वो विनिंग जोन से भी धीरे-धीरे बाहर जा रहा है, यानी विनिंग जोन में भी नहीं है। लेकिन गाइस आप लोग पता है आप लोग यहीं पर से बहुत बड़ा गलती करके जाते हो जो मैं अभी आपको बताऊंगा। गलती आप क्या करते हो, लॉजिक आप यहां पर से नहीं ये नहीं लगाते हो, लॉजिक जो मैं आपको बताऊंगा ये लॉजिक देखा जाए तो ओनली कितना परसेंटेज लोग मेगा ग्रैंड लीग में लगाते हैं, तो मेगा ग्रैंड लीग की बात करोगे ना तो ओनली 3% लोग ही मेगा ग्रैंड लीग को विन करता, और यही 3% में बात करें तो ओनली 2% लोग ही लॉजिक लगाता है। आखिर वो 2% लोग लॉजिक लगा करके मेगा ग्रैंड लीग विन करा, लेकिन आप मेगा ग्रैंड लीग को एक बार भी नहीं बीन क्यों, एक बार भी नहीं जीते हो, इसका रीजन क्या? तो इसका रीजन आपका यही माइंड में है कि भाई यहीं पर गलती करते हो, 90% और 60% वाले खिलाड़ी को आप माइंड में सेट करके चलते हो कि यही खिलाड़ी मुझे ग्रैंड लीग बीन कराएगा। भाई ये बताओ कि 20% वाले खिलाड़ी को आप अपने टीम में क्यों नहीं पिक करे हो, 10% वाले खिलाड़ी को आप अपने टीम में क्यों नहीं पिक करे हो? तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूं इसे अब आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक यहां पर से देखना, सुनना और साथ में यहां पर से समझना। अब मान के चलो ये जो खिलाड़ी देख रहे हो ना,
ये बैटिंग से कोई खिलाड़ी हो गया, जिनका पिछले मैच में मान के चलो रिसेंट मैच में बात कर ले तो ये जो खिलाड़ी देख लो 70-80-100 फिर यहाँ पर से 75 रन स्कोरिंग करे, सिलेक्शन परसेंट 90% लोग अपने टीम में पिक करके जा रहे हैं। अब देखो ये जो खिलाड़ी है 90% वाले को आपने भी अपने टीम में लेकर के गया था, लेकिन ये खिलाड़ी क्या कि फ्लॉप हो गया। आपने कई बार देखा होगा, कई बार ऐसा हुआ होगा जब कोई खिलाड़ी हो, जब कोई बैट्समैन हो या मान के चलो कोई यहाँ पर से बॉलर्स हो, जब रिसेंट फॉर्म में 5 मैच या 4 मैच या 3 मैच में कंटिन्यू परफॉर्मेंस करता है तो आने वाले 4th मैच में चल सकता है या 5वें मैच में फ्लॉप हो सकता है। 5वें मैच में चला कंटिन्यू 5 मैच में चला तो आने वाले 6th मैच में कन्फर्म है, मैं आपसे कह सकता हूं 99% यदि ये जो खिलाड़ी देख रहे हो ना ये मान के चलो बॉलर्स, ये आने वाले अगले मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी बात करें तो ज्यादा नहीं 1 विकेट निकाल सकते, नहीं तो ये 0 विकेट भी निकालते हुए आपको दिख जाएंगे। क्लियरली कि एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि ऐसा होता है जब आप टीम क्रिएट करते हो, जब आप टीम बनाते हो, तो उसमें आपको क्या करना है, ऐसे खिलाड़ी को अपने टीम से ड्रॉप कर दो भाई, ऐसे खिलाड़ी को। यहीं पर से आपका लॉजिक लगता है, यहीं पर से आप लॉजिक लगाओगे, जितना लॉजिक लगाओगे फैंटेसी में उतना रैंक आपका ऊपर जाएगा। इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दो, फिर ये खिलाड़ी को अपने टीम से ड्रॉप कर दो। अब ये दोनों खिलाड़ी के जगह पर मुझे कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना है, कौन सा खिलाड़ी को मुझे अपने टीम में लाना है, तो भाई यही समझना, यही तो सब बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उसी को समझ जाते हो, इसी को जान लेते हो ना, तो भाई आप बड़े आसानी तरीके से मेगा ग्रैनी को विन कर जाओगे। अब आ जाते जैसे कोई खिलाड़ी, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लूं कोई आपको पता है कि भाई बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन से बेहतरीन आपको खिलाड़ी देखने को मिल जाएगा। यदि 22 प्लेयर से तो आपको 4 बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी देखने को मिलेगा, ये कन्फर्म है। और 4 खिलाड़ी की बात करूं तो रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब जाएगा, बट गाइस पता है कि वह खिलाड़ी एक अच्छे खिलाड़ी है। आखिर लोग जब मान के चलो कोई खिलाड़ी हो गया, जब उनका रिसेंट फॉर्म खराब जाएगा तो सिलेक्शन परसेंटेज देख लेना। या एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, मान के चलो ये कोई खिलाड़ी हो गया, ये नाम का कोई खिलाड़ी है, आप लोगों को पता है ये नाम का जो खिलाड़ी है ना, ये एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, भाई इनका रिसेंट फॉर्म खराब जाएगा तो सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे ना तो कितना परसेंटेज लोग अपने टीम में लेकर के जाएंगे, तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज जो हो जाएगा वो 20%, नहीं तो 30% लोग ही अपने टीम में पिक करेंगे, उससे ज्यादा लोग अपने टीम में पिक करके नहीं जाएंगे। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो ये ए नाम का खिलाड़ी है, मैं एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, इनका रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मैच में 7 रन, मान के चलो यहां पर से 7 रन एग्जाम्पल के लिए मैं ले लिया हूं, 7 रन बनाए, 10 रन बनाए, 20 रन बनाए, फिर यहां पर से देखा जाए तो 15 रन बनाए, फिर यहां पर से 25 रन बनाए। अब इनका सिलेक्शन परसेंटेज देखा जाए तो ओनली कितना परसेंटेज लोग अपने टीम में पिक करेंगे, तो ओनली मैं बात करूं तो 20% लोग अपने टीम में पिक करके जाएंगे। तो ऐसे करके आपको क्या करना, खुद से 4 खिलाड़ी को निकालना भाई, यही 4 खिलाड़ी आपका क्या हो जाता है, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो जाता है, क्योंकि इनका रिसेंट 5 मैच फ्लॉप गया तो आने वाले अगले मैच में अपने लिए अपने टीम के लिए सोचेंगे कि भाई बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करके जाए। ये खिलाड़ी हो सकता है ऑलराउंडर से भी हो सकता है, बॉलिंग से भी हो सकता है, और साथ में यहां पर से देखा जाए तो बात करें ऑलराउंडर से भी हो सकता है, बॉलिंग से भी हो सकता है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। और बात करें यहां पर से ऑलराउंडर्स के अगेंस्ट, तो मैं आपको एक एडवांस पॉइंट आगे बताने वाला हूं जो आप लोग पूरा देखते रहो। अब मान के चलो ये खिलाड़ी को टीम में आप अपने टीम में पिक करना है, ऐसे खिलाड़ी को आप अपने टीम में ड्रॉप करना, ये खिलाड़ी आपके लिए ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा। अब देखो मैं आपको बोला हूं कितना परसेंटेज लोग माइंड लगाते हैं, तो ओनली 3% में से 2% लोग ही ये माइंड लगाते हैं, जिसके कारण ग्रैंड लीग को विन करता। आखिर आप लोग ग्रैंड लीग को नहीं विन करते, इसका रीजन एक बहुत बड़ा रीजन जो बनता वही वह जो रीजन बनता हुआ यहीं पर आपका रीजन बनता। अब आ जाते हैं, जब मैंने यहां पर से टीम क्रिएट कर दिया भाई, ऐसे करके आप 2 से 4 टीम क्रिएट करना जो मैं अभी आपको बताया, और प्रत्येक 2 से 4 टीम होना चाहिए उसमें आपको ऐसा खिलाड़ी देखना चाहिए, बैटिंग से हो या बॉलिंग से हो, बॉलिंग से भी हो सकता है कोई खिलाड़ी मान के चलो 1 विकेट ले रहा, 0 विकेट 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट निकाले, ऐसे में उनका सिलेक्शन परसेंटेज देखा जाएगा तो ओनली जो सिलेक्शन परसेंटेज होगा 30% लोग अपने टीम में लेकर के जाएंगे, क्योंकि पिछले 5 मैच में कुछ खास नहीं किए, सभी का टारगेट होगा इसी खिलाड़ी को मैं अपने टीम में लेकर के जाऊंगा, इसी को कैप्टन बनाऊंगा, इसी को वाइस कैप्टन बना करके जाऊंगा। तो भाई पता चलता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ऐसे आपका फ्लॉप हो जाता है। 2 टीम 2 से 4 टीम में आपको बोल रहा हूं, ऐसे करके खुद से बनाना, खुद से क्रिएट करना। अब आ जाते हैं
कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे पकड़ना है, कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन कैसे करोगे। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन आप देखो परफेक्ट बनाने के लिए मेगा ग्राइंडिंग में, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाना करेक्ट सही होना चाहिए। तो जैसे कैप्टन की बात करोगे तो देखो आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर से कैप्टन जो 40% वाला खिलाड़ी है इसी खिलाड़ी को मैं अपनी टीम के लिए कैप्टन बना करके चलूँ, इसी खिलाड़ी को मैं अपनी टीम के लिए कैप्टन पिक करके चलूँ, इसी खिलाड़ी को मैं अपनी टीम के लिए कैप्टन बना करके चलूँ। जैसे देख रहे हो 40% 30% नहीं तो 20% काफी लोग से वो करते हैं, इन्हीं के ऊपर टारगेट करते हैं। वाइस कैप्टन में बात करेंगे तो वाइस कैप्टन में देखो 20% हो गया, फिर यहाँ पर से देखते हैं तो 10% जो आपको दिखाई दे रहा है 10% ऐसे खिलाड़ी को सोचते हैं कि मैं अपने टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन जो आप पिक करके चलूँ। लेकिन गाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन की सिलेक्ट करने से पहले देख लेना कि भाई आपस में कैप्टन ये कैप्टन के सामने तो यहाँ पर से वाइस कैप्टन के सामने तो कहीं नहीं हो रहा, आप ये सोच करके टीम क्रिएट करना, ना ही मेरा आपस में कैप्टन टकराव हो और ना ही मेरा वाइस कैप्टन टकराव हो, क्योंकि कई बार ये होता आपका कैप्टन वाइस कैप्टन को आउट कर देता, नहीं तो वाइस कैप्टन क्या होता कि बॉलिंग करते हुए आपको देख लो, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो देख रहे हो ये 20% वाले जो खिलाड़ी है ये मान के चलो बॉलर्स हो गया, ये बैट्समैन हो गया, मैंने इसे कैप्टन बनाया इसे वाइस कैप्टन बनाया, तो दोनों के बीच आमने सामने टकराव होगा, तो कहीं ना कहीं ये तो होगा कि भाई मेरा जो कैप्टन वो वाइस कैप्टन को आउट करके चला गया। तो शुरुआत में ही आपका पता लगता है कि वाइस कैप्टन फ्लॉप हो गया, और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो गया तो भाई मेगा ग्रैंड लीग के चांसेस नहीं बनेगा। तो ये जो मैं अभी आपको बता दिया हूं कैप्टन और वाइस कैप्टन पकड़ने का, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन जब आप करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन बनाना, तो देखो ये जो देख रहे हो ना कैप्टन 3% नहीं तो 7% नहीं तो 5% वाले खिलाड़ी के साथ जाओ, ये जो देख रहे हो ना ये जो रिस्क बन रहा है, लेकिन आपके लिए ये जो रिस्क है ना यही रिस्क आपको मेगा ग्रैंड लीग को विन करा सकता है। वाइस कैप्टन 3% हो गया 5% वाले खिलाड़ी के लिए वाइस कैप्टन बनाना, क्योंकि आप कितना परसेंटेज, यदि मान के चलो 5% वाले खिलाड़ी को कैप्टन बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप 95% जो पीछे छोड़ करके आ रहे हो लोगों को, आपका जो सोच है सबसे अलग सोच है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, दो टीम क्रिएट करना, दो टीम बनाओगे या चार टीम बनाओगे मेगा ग्रैंड लीग को विन कर सकते हो। साथ में देखो ऑलराउंडर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको ऑलराउंडर्स के सामने आपको एक लिंजा ट्रिक बताने वाला हूं। ऑलराउंडर्स के पास क्या होता है, दो मौका होता, दो मौका क्या होता है यहाँ पर से, एक बॉलिंग भी करते हैं और साथ में बैटिंग भी करते हैं। तो आप मान के चलो बॉलिंग प्लस ये कर दो बैटिंग, मतलब इनके पास दो मौका रहता है बॉलिंग प्लस बैटिंग। यदि मान के चलो यदि ये बॉलिंग से फ्लॉप हो जाते हैं, यदि बॉलिंग से फ्लॉप हो गए तो बैटिंग से चलेंगे, और ये मान लो कि बॉलिंग से भी चल जाते हैं और बैटिंग से भी चल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉइंट जो होगा वह काफी अच्छा खासा पॉइंट देकर के जाएंगे। तो कैप्टन जो बनाने की कोशिश करना वह ऑलराउंडर्स अगेंस्ट ही कैप्टन काफी तरह बनाने की कोशिश करना, काफी तरह जो खिलाड़ियों को पिक करने की कोशिश करना वह ऑलराउंडर से ही काफी तरह खिलाड़ियों को अपनी टीम में लेकर के चलना। तो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, और भाई वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो के लिए आपको क्या कर देना, एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को ओपन कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ सभी लोग।